अब प्रधानमंत्री के मुंह से अपने मंत्री की तारीफ में कोई नई बात नहीं। जरा विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं, वही मुर्दाबाद टाइप की। कोई बजट को वित्त मंत्री की बाजीगरी कह रहा है तो कोई हवा हवाई बता रहा है। वित्त मंत्री की बजटिया पोटली खुलते ही विपक्ष में सरकार मुर्दाबाद के नारे बुलंद करने की होड़ मच गई है। हर विपक्षी नेता ने अपने अपने अंदाज में चिदंबरम के बजट का पोस्टमार्टम किया। सबसे पहले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने चिदंबरम के बजट को स्काई लैब बजट बताया। एक 9 साल की नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट वायदों का पिटारा देश के सामने पेश कर रही है। मैं मानता हूं कि यह बजट जो है स्काई लैब बजट है और ऐसे अर्थशास्त्रियों का बजट है जो जमीन शास्त्र से कटे हुए। अब जरा यशवंत सिन्हा की भी सुन लीजिए। उनके मुताबिक ये बजट एक शब्द में बाजीगरी का बजट है। कुल ओवरऑल मिला जुला के मैं यही कहूंगा बाजीगरी का बजट है। इससे इन्वेस्टर्स को उत्साह उनका नहीं बढ़ेगा और खास तौर पर जो विश्वास का संकट पैदा हो गया है हमारी अर्थव्यवस्था में, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। विपक्ष की देखा देखी सरकार के सहयोगी भी उसे कोसने में लग गए। मायावती बोली कि बजट में कुछ भी नया नहीं और सब हवा हवाई है। जो भी कुछ घोषणाएं की हैं वो केवल हमें हवाई नजर आती हैं। इसमें इस बार के बजट में कुछ नयापन हमें नजर नहीं आता। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया मुलायम सिंह ने भी दी बजट को सिर्फ 10% के लिए बताकर। बजट ने ऐसा कर दिया है कि किसान का पूरी तरह से उपेक्षा और चौपट और मजदूर और गरीब का, ये बजट केवल 10% के लिए है। वैसे विपक्ष का ये अंदाज देखकर किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं। ये सदा से होता आया है। कोई भी सरकार हो उसके बजट की आलोचना करना विपक्ष की रीत है, जिसे निभाना जरूरी होता है।